डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन पारिक। आज मैं आप लोगों के लिए फैलेसी का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। रीट की जो तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने इस बात को। फैलेसीज के जो क्वेश्चन आपके आएंगे, वो हो सकता है कि दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, लेकिन जो सिलेक्शन होता है उसमें एक दो तीन नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए आप किसी भी चीज़ को हल्के में न लें कि ये चीज़ कम है, इसके इसका परसेंटेज कम है, इसके नंबर कम है। आपको उन्हें सभी को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। और आप जो भी चीज़ तैयार कर रहे हैं उसके आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, और उन नोट्स में आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, किस तरीके से उनको समझना है, जैसे उनको अंडरलाइन करके समझना है या जिस भी तरीके से आप उनको समझना चाहें उनको अच्छे से समझें। और बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। बहुत आपको बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से, गुड लक है। और मैंने पिछला वीडियो आपको फैलेसी के बारे में बताया था कि फैलेसीज क्या होती हैं, और हमने बात की थी कि फैलेसी के डेफिनेशन क्या है और फैलेसी के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा अपन उनको रिपीट कर लेते हैं एक बार कि फैलेसी हम किसे कहते हैं। पहले हमने इन्फ्रेंस की बात की थी। इन्फ्रेंस का मैंने आपको मतलब बताया था अनुमान। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना, डिडक्शन बेस्ड अपॉन सम फैक्ट्स और एविडेंसेस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। किसी अनुमान जो कि किसी तथ्य के आधार पर हम लेते हैं उसे हम इन्फ्रेंस कहते हैं। इन्फ्रेंस के मैंने आपको टाइप्स बताए थे, डिडक्टिव, इंडक्टिव और अबडक्टिव। और फिर हमने तीन फैलेसी का भी और डिस्कस किया था। वो फैलेसीज अपनी तीन फैलेसीज कौन कौन सी थी आपको वो याद होंगी, फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। इनकी हमने बात की थी। हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचना, और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। फैलेसी ऑफ डिवीजन के भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो आई होप कि आपने उन्हें बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम आगे की जो फैलेसीज है उनकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट अपनी फैलेसी है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फैलेसीज पे। जो नेक्स्ट अपनी फैलेसी है वो है अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट। अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट, देखिए फैलेसी का मतलब मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि तर्क दोष होता है। फैलेसी का मतलब है तर्क दोष, यानी जो भी हम बोलते हैं, जो हम बात करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का दोष होता है, कोई कमी होती है, उसी को हम तर्क दोष कहते हैं और उसी को इंग्लिश में हम फैलेसी कहते हैं। और फैलेसी हम बोलते समय सभी लोग जानबूझकर नहीं तो अनजाने में गलतियां करते हैं, और उसमें कोई ना कोई तार्किक दोष होना चाहिए। गलती मतलब वो किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वो ग्रामर की वजह से हो और वो किसी जानबूझकर के की गई हो या अनजाने में की गई हो। तो जो हम इन्फ्रेंस, जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं वो हमारा गलत होता है, तो उसी को हम फैलेसी कहते हैं, और ये लॉजिक का एक पार्ट है। तो आज का हमारी जो पहली फैलेसी है वो है अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट आप जानते हैं, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, और अब्यूज करना यानी किसी को गाली देना या बुरा भला कहना। तो अगर अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट की हम बात करें फैलेसी के रूप में, तो ये क्या होता है, व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू अब्यूज समवन और ट्राइज टू मिस द पॉइंट, अगर वो किसी बात को जानबूझ करके टालना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है और उसके लिए किसी दूसरे को बुरा भला कहता है, तो वो अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट होता है। हम सभी फैलेसीज को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका देना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है, और उनको किसी बात के बारे में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, रिपोर्टर्स के द्वारा। तो वो कहते हैं, उनको जैसे पूछा जाता है कि आपका जो शहर है या आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे शहर में विकास नहीं हुआ या हुआ, बल्कि वो दूसरों पर दोष थोप रहे हैं। वो कहते हैं कि
मेरे शहर में विकास हुआ है लेकिन मीडिया ने सारी रिपोर्ट गलत पेश की है और दूसरे नेता ऐसे हैं, दूसरे लोग ऐसे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, यानी वो उस बात को टाल रहे हैं और दूसरा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट है वो होता है अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको लिख करके बता देता हूं। देखिए क्या है एग्जाम्पल। द मीडिया आस्क्ड द पॉलिटिशियन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। द पॉलिटिशियन सेड मीडिया हैज गिवन फॉल्स रिपोर्ट्स। यानी मीडिया तो पूछ रही है कि आपके शहर के विकास के बारे में बताइए, और पॉलिटिशियन क्या कह रहा है कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट दी है, यानी मीडिया ने मेरे शहर के बारे में गलत बातें बताई हैं। तो वो जो बात है उसको टाल रहे हैं और एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जो मीडिया को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो अब्यूज कर रहे हैं, अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, यानी जो बात पूछी जा रही थी। ऐसा आप जनरली पॉलिटिशियंस के साथ देखते हैं कि उनको पूछा जाता है कि आपकी पार्टी ने विकास क्यों नहीं किया, तो वो ये कहते हैं कि दूसरी जो पार्टी है उसने क्या विकास किया। ठीक है ना, ये अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट है, यानी खुद की बात नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दूसरों ने क्या किया, तो वो दोष जो अपना दोष है वो दूसरों पे टाल देते हैं। इसी को हम अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आप इस एग्जांपल को लिख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट फैलेसी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फैलेसी है आज की वो है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। देखिए ये नाम आपको थोड़े नए लग सकते हैं, अलग लग सकते हैं, लेकिन इनको अपने को याद करना ही है क्योंकि अलग चीज़ें ही हमें पढ़नी है। आप चाहे जीके पढ़ रहे हों, मैथ्स पढ़ रहे हों, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हों, नई चीज़ें ही आपको पढ़नी है। वो आपके लिए नई हों या पुरानी हों, उनको याद अपने को करना ही है। इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन का मतलब होता है जैसे एक ही शब्द होता है उसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। एक शब्द है और उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विवोकेशन। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, I saw a saw but could not saw। इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या है, यहां saw जो वर्ड आया है SAW, ये एक ही शब्द है लेकिन इसके तीन अर्थ हैं। पहले saw का अर्थ है देखना, दूसरे saw का अर्थ है आरी, यानी जो काटने की लकड़ी काटने की होती है, और saw का मतलब चीरना। तो मैंने एक आरी देखी लेकिन मैं उससे चीर नहीं सका। तो यहां saw शब्द है, इसके तीन अर्थ हैं, I saw, I saw but could not saw। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर इस तरह का आपके सेंटेंस आता है जिसमें एक ही वर्ड है और उसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां पे उस फैलेसी को हम क्या कहेंगे, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब है एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलना। नोट कीजिए इस एग्जाम्पल को। चलिए आपने लिख लिया, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट फैलेसी लेते हैं अपनी। फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज।
फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज क्या है, जिसमें हम कोई गलत कारण देते हैं। कॉज का मतलब हो गया कारण और फॉल्स का मतलब हो गया गलत। तो अब देखिए एग्जाम्पल से हम एक एक चीज को समझेंगे तो वो हमारे लिए आसान होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं मैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज ए वुमन। ये है हमारा प्रेमाइस, यानी हम एक बात कह रहे हैं कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये कहावत है और ये सही भी है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, जो भी है। तो हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ये हमारा प्रेमाइस है। अब हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, सो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू शुड हैव ए वुमन बिहाइंड यू। तो यदि तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हारे पीछे एक महिला तुम्हें रखनी चाहिए। तो यहां जो पीछे रखने का अर्थ है, क्या ये सही है कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो अपने पीछे अगर हम किसी महिला को रखेंगे, यानी लाइन में, क्यू में, या किसी भी रूप में हम अपने से पीछे किसी महिला को रखेंगे तो क्या हम सफल होंगे? अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके पीछे कोई महिला है तो क्या आप सफल हो जाएंगे इंटरव्यू में? ये तर्क गलत है। आपने बात कही कि हर सफल व्यक्ति के पीछे महिला होती है, ये बात सही है, लेकिन ये कहना कि अगर आपके पीछे महिला होगी तो आप सफल हो जाओगे, ये सही नहीं है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ फॉल्स कोच, यानी ये जानबूझ करके और गलत तर्क दिया गया है। आपने लिख लिया होगा एक एग्जांपल, लिख लीजिए। मैं एग्जांपल्स आपको और भी इनके दे सकता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि फैलेसीज की डेफिनेशन क्या है और कौन सी फैलेसी क्या होती है। तो एक बार आप इनको लिख लीजिए, फिर अपन इनके एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे और इनके कुछ सेंटेंसेस के द्वारा मैं आपको बताऊंगा भी कि फैलेसीज क्या होती हैं। मेरा जो थर्ड वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा बताऊंगा और आपको सेंटेंसेस दूंगा कि इसमें कौन सी फैलेसी है, जिससे आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये लिख लीजिए आप। नेक्स्ट जो हमारी फैलेसी है वो है फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समानता। आप इनके मीनिंग भी लिखते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी यानी गलत समानता बताना, दो चीजों में जो डिफरेंस है उसको इग्नोर करना और उनमें जो समानता है वो गलत रूप से बताना कि इनमें, यानी एक एग्जाम्पल देना। एनालॉजी का मतलब होता है किसी चीज को एग्जाम्पल के द्वारा समझाना, तो कोई गलत उदाहरण देकर के हम समझाते हैं तो वो होता है फॉल्स एनालॉजी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या है अपना एग्जाम्पल पढ़िए जरा इसको।
इट इज यूजलेस टू टीच अ डल स्टूडेंट टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन इज यूजलेस। हमने एक बात कही, फिर उसको साबित करने के लिए एक उदाहरण दिया। हमने बात क्या कही, इट इज यूजलेस टू टीच अ डल स्टूडेंट, एक कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाना बेकार है। और उदाहरण हमने क्या दिया, टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन इज यूजलेस, सुअर के सामने मोती बिखेरना बेकार है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। तो क्या दोनों एक बात है, दूसरा उदाहरण उसके लिए देना सही है, कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाना बेकार है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, तो क्या यह उदाहरण सही है? भैंस के आगे बीन बजाना और कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाया जा सकता है, वो पढ़ता भी है, कई बार कमजोर विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट भी बन जाते हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। मैंने खुद ऐसे एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये कहना गलत है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, वैसे ही कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाना भी बेकार है। तो ये एग्जाम्पल है फॉल्स एनालॉजी का, यानी गलत उदाहरण देकर के हम इस बात को साबित करना चाह रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो ये फैलेसी है, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को। नेक्स्ट जो हमारी फैलेसी है वो है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी, दिस फैलेसी अकर्स व्हेन वी टेक सपोर्ट और गिव एग्जांपल ऑफ ए वेरी ग्रेट पर्सन इन ऑर्डर टू सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट। जब हम किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए, तो वहाँ पे हम इस फैलेसी का प्रयोग करते हैं, अपील टू अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कोई अधिकारी या महान व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, जिसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए, और वो बात सही हो या नहीं हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति, क्योंकि इतना बड़ा नाम हमने ले लिया। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि सत्य बोलना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, तो गीता में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बात कहना, अब खुद व्यक्ति कर्म करता हो या नहीं करता हो, लेकिन दिखावे के लिए ये जरूर कह देता है कि गीता में लिखा हुआ है कर्म करना चाहिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, लेकिन उदाहरण हम दे देते हैं बहुत बड़ी बात का, हमारे जीवन में वैसा नहीं होता है। तो ये जो अपील है, हम अथॉरिटी से अपील कर रहे हैं एक तरह से, यानी उनका सहयोग ले रहे हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको, उदाहरण लिखिए इसका। All controls should be abolished. Mahatma Gandhi was opposed to all controls. Example को आप ध्यान से देखें। All controls should be abolished. Abolish का मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना। सारा जो control है, जितने भी नियंत्रण हैं, वो सब खत्म हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं, वो control के खिलाफ थे। अब कंट्रोल के खिलाफ थे, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के खिलाफ थे। अब अपन कह रहे हैं कि सारा कंट्रोल हटा देना चाहिए, तो क्या ये बात सही है? क्या कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए? सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, सोसाइटी के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो ये बात कहना कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। और उनकी बात को भी हम गलत तरीके से कह रहे हैं, इसलिए ये जो हमने अपील की है अथॉरिटी से,
महात्मा गांधी का उदाहरण दिया है, ये हमने एक महान व्यक्ति का उदाहरण देकर के अपनी बात मनवाने की कोशिश की है, तो ये होता है अपील टू अथॉरिटी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी फैलेसी है वो है अपील टू पिटी। अपील टू पिटी, पिटी शब्द का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? पिटी का मतलब होता है दया, यानी किसी के अंदर दया का भाव जगाने की कोशिश करना, ये अपील टू पिटी कहलाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण है इसका, जैसे कोई व्यक्ति है वो कोर्ट में गया है अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए, या उसकी पत्नी गई है अपने पति से तलाक लेने के लिए, तो जो पति है वो कहता है कि हम अगर अलग होंगे तो हमारे बच्चे बहुत दुखी होंगे, वो हमारे बिना नहीं जी पाएंगे, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। तो ये अपील टू पिटी है, यानी हम अलग होंगे तो बच्चे दुखी होंगे, ये दया का भाव जगाने का प्रयास कर रहा है वो, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपील टू पिटी। इफ वी सेपरेट आवर चिल्ड्रन विल बी मिजरेबल, यदि हम सेपरेट यानी अलग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे मिजरेबल यानी दुखी हो जाएंगे। तो ये एक तर्क है जो अपनी पत्नी के सामने पति दे रहा है उसकी दया को जगाने के लिए, ताकि वो उसके अंदर एक ममता का भाव उठे और वो अलग होने से इनकार कर दे। तो इस तरह की जो फैलेसी होती है जिसमें किसी के अंदर दया का भाव जगाने का प्रयास किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अपील टू पिटी। जैसे किसी व्यक्ति को गरीबों के प्रति दया का भाव जगाने के लिए और कुछ कहा जाए कि यदि इंसान गरीबों की मदद नहीं करेगा तो दुनिया में जो गरीब हैं वो भूख से मर जाएंगे, तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं ये दया का भाव जगाने के लिए जानबूझ करके इस तरह की बातें कहना, ये अपील टू पिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारी फैलेसी है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। नाम भी आपको याद रखना है और इसका अर्थ क्या होता है वो भी आपको समझना है। देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल में क्या होता है, देर आर टू प्रेमिसेस, दो प्रेमिस होते हैं, बट द डिडक्शन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द टू प्रेमिसेस इज नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी दोनों जो प्रेमिस हैं उनसे जो डिडक्शन ड्रॉ किया जाता है यानी जो उसका निष्कर्ष निकाला जाता है वो दोनों प्रमाइसेस में और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी वो दोनों प्रमाइसेस पे बराबर बराबर लागू नहीं होता है, या उसमें उन दोनों का जो प्रभाव है वो नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है दोनों प्रमाइसेस में। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं क्या है ये। All cats are mammals, all dogs are mammals, so all cats are dogs. देखिए cats are mammals, स्तनधारी जीव जिसे अपन कहते हैं स्तनपाई या स्तनधारी। All cats are mammals, सारी बिल्लियां स्तनधारी होती हैं। All dogs are mammals, सारे कुत्ते स्तनधारी होते हैं। So all cats are dogs, इसलिए सारे कुत्ते बिल्लियां होते हैं।
अब ये जो हमने निष्कर्ष निकाला है, ये इन दोनों में इसका प्रभाव नहीं है, यानी इन दोनों के आधार पे ये निष्कर्ष हमने निकाला और इन दोनों में ये बात बंटी हुई नहीं है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में नहीं है। यानी कुत्ते मैमल हैं, बिल्लियां भी मैमल हैं, तो क्या कुत्ते बिल्लियां हैं? नहीं, क्योंकि जितने भी मैमल्स हैं, बहुत सारे जीव मैमल्स हैं, लेकिन वो सभी बिल्लियां तो नहीं है, है ना? तो वो अलग अलग जीव हैं। तो इसका मतलब इस तरह से जो आर्ग्यूमेंट हम देते हैं, जिसमें दो प्रमाइसेज होते हैं और कंक्लूजन होता है, वो दोनों में बराबर बराबर नहीं बंटता है, उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लिखिए आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी फैलेसी की। जो नेक्स्ट हमारी फैलेसी है वो है एक्सक्लूडेड मिडल। एक्सक्लूड करना, एक शब्द होता है इंक्लूड करना यानी शामिल करना, एक होता है एक्सक्लूड करना यानी हटा देना। तो जिसमें मिडल हटा दिया गया है, मिडल है ही नहीं, ठीक है ना, वो होता है एक्सक्लूडेड मिडल। तो एक्सक्लूडेड मिडल क्या है? इट इज ए फैलेसी इन विच द मिडल पोजिशन इज डिलीटेड और मिसिंग। जिसमें मिडल डिलीट कर दिया जाता है, जिसमें मिडल है ही नहीं, यानी बीच का कोई रास्ता नहीं है। उदाहरण देता हूं आपको, देखिए एक सेंटेंस लिखा है मैंने, हैव यू स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। जैसे किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा, हैव यू स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, क्या तुमने पीना बंद कर दिया है, क्या तुमने शराब पीना बंद कर दिया है क्या? अब इस सवाल के दो ही जवाब हो सकते हैं, यस और नो, और दोनों कहते ही अगला फंस गया। अगर वो कहता है यस मैंने पीना बंद कर दिया है, इसका मतलब पहले वो पीता था। अब वो कहता है नो, तो इसका मतलब वो अब भी शराब पीता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे मिडिल की तो बात ही नहीं है, वो ये तो है ही नहीं इसका आंसर कि मैं तो कभी नहीं पीता था, है ना। अब वो सीधा सवाल क्या है, यस या नो वाला क्वेश्चन है, जिसमें या तो यस कहो या नो कहो, बीच की बात नहीं है इसमें। हैव यू स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, क्या तुमने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है? तो अगला क्या कहे, यस कहे या नो कहे, दोनों तरफ से वो फंस जाता है। तो इस तरह की जो फैलेसी है, जो आर्ग्यूमेंट है, उसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। ठीक है, तो 10-12 फैलेसीज हमने अभी तक डिस्कस की हैं, और मुझे जहां तक होप है आपकी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, और इतनों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप फैलेसी को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फैलेसी के एग्जाम्पल्स देखेंगे, और फैलेसी पे मैं थोड़ा और आपको कुछ बताऊंगा, और उस वीडियो को मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आपने वीडियो को देखा, और पहले वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को भी आप देखें, पूरा देखें, लाइक करें, और अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।